लोकसभा में राफेल पर बहस जारी है, साथ ही कांग्रेस और बीजेपी के बीच वार पलटवार का भी दौर शुरू हो चुका है। राहुल के गढ़ में पहुंची स्मृति ईरानी ने कांग्रेस अध्यक्ष की घेराबंदी की, तो दिल्ली में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं जैसे कि गुलाम नबी आजाद और रणदीप सुरजेवाला ने मीडिया के सामने मोर्चा खोला। राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है राफेल को लेकर, प्रधानमंत्री से लेकर वित्त मंत्री पे के ऊपर उन्होंने ट्वीट, मैंने भी किया है, देख लीजिए रोम और आगा की कहानी, कैसे रोम का संरक्षण मांगता है क्रिश्चियन मिशेल, कैसे रागा के आर का वर्णन होता है क्रिश्चियन मिशेल के बयान पे। अगर ट्वीट ही देखने की दरकार है तो थोड़ा मेरा भी पढ़ लीजिए। मैंने पढ़ा, आपने पूरे आज जो ट्वीट किया है उसकी तो एक प्रतिष्ठित अखबार ने लिखा है, रागा तो अपने मन से जो चाहे ट्वीट करते हैं हर दिन, ये तो एक अखबार की छपी हुई। ये कहते हैं राफेल पे वो चुप नहीं बैठे, ना बैठे चुप, बोले जो फजीहत हुई अरुण जेटली के हाथों से वो दोबारा होगी, बोले बिल्कुल। ये थी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ हिमांशु मिश्रा, लखनऊ आज तक। और दुनिया का और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा आज तक जो स्कीम है डिफेंस में राफेल फाइटर जेट को लेकर, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार और स्वयं प्रधानमंत्री उसका हिस्सा है, जिसमें कई हजार गुने कई हजार करोड़ का घोटाला है, से कागज भेज रहे हैं और देश को वो पैसा भरना पड़ा और देश अब ये समझ गया है कि ये। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।